हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आज मैं आपके सामने वेज चाउमीन की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए जो मैंने सामग्री ली है वो देखिए। तो वेज चाउमीन बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 पैकेट चाउमीन लिए हैं। आपको जितनी बनानी है आप उसके अनुसार है। मेरा सारा सामान 2 पैकेट चाउमीन के अनुसार है। और इसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी पत्ता गोभी, 1 छोटी पत्ता गोभी आधी हाफ, और थोड़ी सी 1 गाजर को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और शिमला मिर्च उसके बाद। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। 1 जो प्याज होती हैं वो आलू वाली, ये मैंने 1 उसको काटा है। और ये जो हमारी सिंपल प्याज होती है मैंने इनको लिया है, और 1 हरी मिर्च को मैंने काटा हुआ है। उसके बाद मैं मसाले बता रही हूँ। मसालों में मैंने लिया है सिर्फ मैंने नमक, लाल मिर्च और सॉस ली है। और इसके बाद मैंने ये जो सोया सॉस होती है ये कलर के लिए होती है, इसमें चाउमीन से कलर आता है। और ओलिव ऑयल का तो यूज़ होता ही है, और विनेगर होता है, विनेगर खट्टे के लिए होता है, इससे खटास आ जाती है। और ये है रेड चिल्ली सॉस। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं चाउमीन। वेज चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 पतीले के अंदर पानी रखा है, और ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चाउमीन को डाल दूंगी। चाउमीन को उबालते हुए मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक को डाल दूंगी। इससे जो है थोड़ी सी चाउमीन में अच्छा टेस्ट आ जाता है। और नमक के साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच ओलिव ऑयल, ताकि ये जो चाउमीन है ये खिल जाएगी हमारी, और एक दूसरे से ये जो है ना चिपकेगी नहीं। एक साइड जो मेरी चाउमीन उबल रही है इतने वो बन के रेडी हो जाएगी। मैंने दूसरी तरफ अपना छौंक तैयार कर रही हूँ, और मैंने कढ़ाई रख ली है। और कढ़ाई के अंदर अब मैं डाल रही हूँ ओलिव ऑयल। मैंने ये थोड़ा सा इसके अंदर ओलिव डाल दिया है, और ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा ऑयल अब गर्म हो चुका है, और मैं प्याज डाल दूंगी। थोड़े से हल्के 5 मिनट के प्याज भुनने के बाद अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालूंगी, और ये गाजर जो है गाजर। सारी सब्जियों को मैं धीरे धीरे करके एक एक करके अब इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। और ये कैप्सिकम, और आप इन्हें किसी भी शेप में काट सकते हो। मैंने इन्हें पतला पतला सा लंबा लंबा काटा था। और ये जो पत्ता गोभी भी डाल दी है अब मैंने इसके अंदर। चाउमीन अब रेडी हो गई थी, मैंने इसके पानी को निकाल दिया है, और इसको छलनी में जो है छान दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है ये मेरी सब्जियां अब हो चुकी हैं। इनको थोड़ा सा कच्चा पक्का ही रखना है, क्योंकि चाउमीन में इनका टेस्ट कच्चे पक्के से ही आता है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक तो मैंने इसके अंदर पहले ही डाल दिया था, अब मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी इसके अंदर। और ये लाल मिर्च, ये सब कुछ अपने टेस्ट के अनुसार होती है। ये थोड़ी सी काली मिर्च है, और इन्हें हम अपने हिसाब से ही ऐड करते हैं। और अब जो ये रेड सॉस थी ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे करके जितने भी मसाले हैं मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। ये सोया सॉस होती है जो ये कलर के लिए होती है, इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा। मैंने इसको 1/2 चम्मच डाला है। ये कलर के लिए ही यूज होती है बस। देखिए मेरी सब्जी का कलर जो रंग है इतना अच्छा हो गया है। और ये विनेगर है, इसको मैंने बताया था कि खटाई के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको मैंने 1-2 स्पून यूज़ किया है। ये उबली हुई चाउमीन थी, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है, और मेरी जो चाउमीन वेज चाउमीन है बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए ये मेरी जो चाउमीन है
बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है और मैं अब इसको सर्व करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो चाउमीन है वेज चाउमीन वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये कितनी यम्मी दिख रही है और खिली हुई भी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो फिर मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। और आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।